इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। लवली जी, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता आपके फेवर में प्रोटेस्ट भी कर रही है, क्यों नहीं लड़ रहे आप? देखिए, पार्टी ये समझती है कि मैं 70 की 70 सीटों के ऊपर जो है कंपेन करूं, उसी नाते जो है ये सोचा गया था। निश्चित तौर पे गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा 16-17 साल का नाता है, तो लोगों का मेरे साथ प्यार भी है और स्नेह भी है, तो इसलिए इनका आक्रोश होना जो है जायज़ है। लेकिन पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत जो है फैसला किया है। मैं इन लोगों की भावनाएं पार्टी तक जरूर पहुंचा दूंगा और जो पार्टी का फैसला होगा वो सब लोगों को मंजूर होगा। आपको प्रचार के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है, किन मुद्दों के ऊपर आप प्रचार करेंगे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को झांसा दिया है, झूठे वायदे किए हैं और उनको पूरा करना तो दूर, आज उनकी चर्चा करना भी ठीक नहीं समझते। ये तमाम चीजों को लेकर हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे। तरुण शर्मा, DD News, दिल्ली।